असलमकम एवरी वन एंड वेलकम बैक कैसे हैं आप सब आई होप आप सब ठीक हैं तो आज का जो व्लाग है वो मैं स्टार्ट करूँगी सुबह से तो बेसिकली आज मेरा है अपॉइंटमेंट हॉस्पिटल में और मुझे हॉस्पिटल जाना है अपने अपॉइंटमेंट के लिए और कुछ इंपॉर्टेंट काम है जो कि मुझे आज डेफ़िनेटली करने हैं बिकॉज़ मैं काफ़ी दिनों से है ना बाहर नहीं जा पा रही बिकॉज़ इतनी सर्दी है और ये हवाएं चल रही हैं ना बंदा उड़ कही गया कहीं मैं कहीं यहाँ और ही गिर जाएगा तो जी हाँ जल्दी से ब्रेकफास्ट किया और ये पराठा है ना ये फ्रोज़न पराठा यहाँ पे वैसे मिलता है शान का पराठा गार्लिक तो शान का जो प्लेन पराठा है ना उसका कोई जायका इतना खास नहीं होता तो ये मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया मंसलवा इस, इसका नाम था तो ये मैंने ट्राई किया प्लेन पराठा ओ माई गॉड आई वॉज अमेजिंग इट टेस्ट लाइक पाकिस्तानी पराठा वो जो डॉन का पराठा होता है हम खाते हैं बिल्कुल वैसा टेस्ट था इतना ज़बरदस्त और जब मैंने शान का पराठा ट्राई किया था ना तो वो क्या लाइक इतना ड्राई ड्राई था उसमें कुछ भी ऐसा लगता बस सूखा बंदा आटा खा रहा है तो ये काफ़ी जो था ना वो अच्छे से बन गया था और लेयर्स भी थे लच्छादार पराठा था एंड इट वाज वेरी टेस्टी तो मैंने कलेजी बनाई हुई थी उसके साथ एंजॉय कर रही थी ब्रेकफास्ट कर रही थी और उसके बाद मैं जल्दी से तैयार हुई बिकॉज आई वाज गेटिंग लेट फॉर माय अपॉइंटमेंट एंड ये दस है और ये माँ यहाँ मैं अपने अपॉइंटमेंट पर पहुँच गई हूँ और यहाँ अगर आप थोड़ा सा लेट हो जाओ ना अपॉइंटमेंट के लिए तो ये आपको अपॉइंटमेंट कैंसिल कर देते हैं कहते हैं जी आप लेट हैं अगर ये खुद से देर करते हैं ना तो वो कोई बात नहीं है वो जायज़ है ये लोग देर कर सकते हैं हम लोग देर नहीं कर सकते मेरे साथ कितनी मरतब ऐसे हुआ है कि मैं अपॉइंटमेंट पर जाती हूँ ना अगर मैं थोड़ा सा भी लेट हो जाऊँ तो वो लोग मेरा अपॉइंटमेंट ही कैंसिल कर देते हैं और अगर उनकी तरफ से देर होना और मैं जाके पहले से बैठ जाऊँ तो वो ठीक है जी वो हम बिज़ी थे फ्लॉँ थे ये थे मुझे समझ नहीं आते यहाँ के एन का सिस्टम बहुत ही ज़्यादा है ना ख़राब है बिल्कुल भी अच्छा नहीं है लोगों को भी देर से अपॉइंटमेंट मिलते हैं उसके बावजूद इनका इनके पास टाइम नहीं है चेकअप के लिए पेशेंट को चेक करने के लिए पता नहीं है इनका मसला क्या है चले सारी बातें एक तरफ और मैं आप लोगों को एक जबरदस्त बात बताती हूँ यहाँ पर ना जब मैं अपॉइंटमेंट पे आई तो यहाँ पे एक कैफेटेरिया है मैंने कहा था, सोचा था चलो कुछ खा लेते हैं बिकॉज मेरे सर में बहुत दर्द हो रही थी मैंने कॉफ़ी ली थी और यहाँ पे कैफेटेरिया पे कुछ और डॉक्टर्स भी बैठे हुए थे बिकॉज उनकी ब्रेक थी वो लंच कर रहे थे और यहाँ पर ना एक डिसेबल बच्चा था और वो सामने मेरे पीछे से डॉक्टर बैठे हुए थे आप वीडियो में देख भी सकते हैं आगे चल के तो वो बच्चा है ना डिसेबल बच्चा उनको है ना आगे आके ना व्हील चेयर अपनी मूव करके उनके सामने आकर उनको कहता है, है तो उन्होंने उसका हेलो इग्नोर कर दिया तो वो अपने ऐसे बन रहे थे जैसे वो अंधे हैं उनको नज़र नहीं आ रहा वो बच्चा उसे हेलो कह रहा है और यहाँ पर ना ऐसे होता है लाइक ये लोग बड़ा प्यार दिखाते हैं कि जी हमें आप लोगों की बहुत केयर है बहुत एहसास है आपके आपके लिए इनके दिल में तो मुझे उस वक्त ये समझ नहीं आ रही थी कि ये डॉक्टर्स बच्चे को इग्नोर क्यों कर रहे हैं अब अब मैं यहाँ पे बहुत ऐसा होता है मुसलमानों से ना बहुत ज़्यादा ये नफरत करते हैं और ये नफरत का इजहार ना खुल के नहीं कर सकते बिकॉज इनके प्रोफेशन में नहीं होता कि ये खुल के नफरत करें बिकॉज़ इससे इनके जॉब पे अच्छा इफेक्ट नहीं पड़ता और ये आप जैसे कि देख सकते हैं ये दो डॉक्टर्स पीछे बैठे हुए हैं और जो बच्चा था वहाँ पे डिसेबल वो शायद आप लोगों के अच्छे से नज़र नहीं आया होगा तो वो बेचारा उसको हेलो कर रहा था और उन्होंने इग्नोर कर दिया मैं ये सोच रही थी यार आप लोग फिर फेक क्यों बन के दिखाते हैं लाइक अब हम लोग यहाँ मुसलमान हैं अलहमदिल्ला है, अब बच्चा वो है ना जो था वो गोरा नहीं लाइक मुसलमान नहीं था वो भी ब्रिटिश था लेकिन मेरे दिल में ये आ रहा था कि यार ये ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हैं तो अल्लाह पाक इनको हदायत है हालाँकि हमें कोई पैसे नहीं मिलने होते इस चीज़ों से लेकिन हमारे दिल में फिर भी जो है ना वो इंसानियत अल्हम्दुलिल्लाह है हम लोग मुसलमान हैं ना तो हमारे हमारे दिल में बेशक वो काफ़िर हैं जो मर्ज़ी हमारे दिल में उनके लिए मोहब्बत है हम इन लोगों जैसे नहीं है कि पैसों के दिखावे के लिए लोगों के ऐसी मोहब्बत करें हॉस्पिटल के अपॉइंटमेंट से फारि होने के बाद मैं दूसरी जगह पे गई थी वहाँ पे मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम था और वहाँ से मुझे देर भी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी तो फिर मैं अपने जैसा जो था ना वो आ, लंच अपना पैक करके लेके आई थी कि मैं उसे खा सकूँ तो वही अब मैं बस खा रही थी और बैठी थी ताकि मैं अपना जल्दी से जो सारे काम है वो निपटाऊँ और उसके बाद घर जाऊँ क्योंकि घर जा मुझे फिर खाना भी बनाना था और ये बस इसी तरह हाँ मेरा दिन बहुत बिजी रहा इवन कि मुझे इतना पेन भी हो रहा था बिकॉज उन्होंने मेरे ब्लड्स भी लिए थे और बस सुबह से शाम हो गई मैं घर आई खाना वगैरह बनाया और अल्हम्दुलिल्लाह सारा दिन इतना बिजी था और ये व्यू देखें कितना खूबसूरत है मैं जब भी ऐसे व्यूज़ देखती हूँ ना मुझे इतनी मेरी अम्मी याद आती हैं मैं इतना दिल करती है मैं हमेशा दुआ मांगती हूँ ताली और जल्दी से अपनी अम्मी से चल मिलने चले जाऊँ पाकिस्तान तो आप सब व्यू दुआ कीजिएगा कुछ मजबूरियाँ हैं कुछ हालात नहीं ठीक तो अल्लाह पाग मेरे लिए आसानियाँ करें तो बस यहीं तक था मेरा छोटा सा व्लॉग आई होप यू लाइक इट अगर आप लोगों को पसंद आता है तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दिया करें नहीं करना तो ना करें तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज मुझे दुआओं में याद रखिएगा और ये बस बाय